अगर हम 10 लोगों को एक जगह पर जाना है तो वो 10 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके भी जा सकते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कहीं आग लगी है तो उसमें घी डालो, आग को मत बुझाओ, आग में और घी डाल दो। पॉल्यूशन अगर आप कहते हैं तो मैं मास्क यूज करता हूँ 12 महीने दिल्ली में। क्या बड़े बड़े मॉल से दिए वगैरह ना ले, डेकोरेटिव पीस ना ले, आप छोटे छोटे बस्ती में जाइए। मेरे हिसाब से पटाखे जलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान को पटाखे जलाने इन पे बैन पे तब याद आता है जब दिवाली आती है, न्यू ईयर पे पूरा विश्व, पूरा अर्थ, पूरा वर्ल्ड अपना पटाखे जलाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। पे ही ज्ञान पेलते हैं तब बोलते हैं हर कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट में कितना धुआं निकलता है, कितने लोग कितना पीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो पियो, गाड़ी चल रही, इतना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पटाखे एक दिन चल रहे हैं साल में तो दिक्कत है। अच्छा अभी अभी ये यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये इसराइल की वॉर चल रही है, इसमें इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा, हम पटाखे जला लेंगे वो पोल्यूशन दिख रहा है सबको, छोटे छोटे। तो ये लोग जो इंडिविजुअल रोल की बात करते हैं, रोज वहाँ खड़े होकर सिगरेट फूंकते हैं, तभी इन्हें पोल्यूशन नहीं याद आता। आप इनसे ये पूछिए, ये कैब में घूमती है, ये गाड़ी में जाती है इधर उधर, तब इनको याद नहीं आता पोल्यूशन हो रहा है, साइकिल लेकर घूम लो आप, साइकिल गाड़ियाँ आजकल सीएनजी की भी हो रही है, सीएनजी से पोल्यूशन कम होता है। गाड़ी कितनी है कितनी है आप रेशो देखिए। और दूसरी बात, यही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे अपने कंफर्ट के लिए, गाड़ियों में जाएंगे तब इन्हें दिक्कत और नहीं इनको, है। इनको 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 सब अपनी समझदारी दिखाने के लिए पटाखे याद आते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, होली में याद आता है पानी मत बिखेरो। अच्छा एक और चीज, छोटी सी चीज, आपने कितने पेड़ उगाए हैं, आप अर्थ को सही करने के लिए क्या कर रहे हो, तब को आपकी आवाज। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई पेड़ उगा नहीं रहे तो हमें उसे काटने का हक बनता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हम ये, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ियाँ जो है, हम लोगों की नेसेसिटी है, हमारे नीड्स हैं, हम और जो पटाखे हमारे वॉट, ऐसा नहीं है कि कोई मर जाएगा पटाखे नहीं जलाएंगे तो, वो हमारा एक, हम लोगों ने बस उसको शोशा बना लिया है कि हम जितने बड़े पटाखे फोड़ेंगे हमारा ये होगा। गाड़ियाँ हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर हम 10 लोगों को एक जगह पर जाना है तो वो 10 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके भी जा सकते हैं, वो लोग अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उससे कितना पोल्यूशन होता है। हमारे भारत में ट्रांसपोर्ट के ई रिक्शा है, ऑटो है, टेम्पो है, बस है, मेट्रो है, क्या कुछ नहीं है, हैं? हाँ। और ये पटाखों के लिए अभी बोल रहे हैं, पटाखों की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। अभी सब बोल रहे हैं दिवाली पे, अभी न्यू ईयर आएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा पटाखों के लिए। इनकी मेंटेलिटी कैसे कैसे कंपेयर कर रही है कि उसको रेप से कंपेयर कर दिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अच्छा आप पेड़ उगा नहीं सकते तो काटने का भी हक नहीं रखते। अरे मैडम एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, मैं कह रहा हूँ कि आप पटाखे फोड़ो लेकिन पेड़ भी उगाओ, आपको वो तो उगाने नहीं है और आपको ज्ञान देना है कि आप पटाखे मत फोड़ो, अरे ज्ञान दो कि पेड़ उगाओ, ज्ञान दो कि वो अच्छी चीज़ करो ताकि आप एंजॉय भी कर सकें। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कहीं आग लगी है तो उसमें घी डालो, आग को मत बुझाओ, आग में और घी डाल दो। हाँ, एक चीज मुझे ये कहनी है कि पहली बात तो अगर आप मूंग की दाल खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मसूर और उड़द खाने वाले खराब है, पहले आप किसी की मेंटालिटी को टच नहीं कर सकते, किसी की मेंटालिटी को नहीं बोल सकते। और दूसरी बात कि आपने क्या बोला था, वो वाला पॉइंट लास्ट में क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं अभी भी इनको वो चीज समझ नहीं आई, अभी भी ये कंपैरिजन तो इधर का उधर का इधर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि पेड़ उगाओ और खुद भी उगाओ, ठीक है, और पेड़ उगाओ चीज एनवायरमेंट के लिए चीजें करो, तब पेड़ उगाने की बात कौन कर रहा है जो कह रहा है पॉल्यूशन फैलाओ और कह रहा है फिर पेड़ उगाओ, तुम बिना पॉल्यूशन फैलाए पेड़ क्यों नहीं उगा सकते, ये क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूंगा इतनी कंपनीज है यहाँ पर दिल्ली में जो इलीगली इतना ऐसा काम करती है, इतना पॉल्यूशन, इतना टॉक्सिक वेस्ट निकालती है, इनकी आवाज़ तब नहीं उठेगी, और वो जितना है ना साल भर का जो निकलता है उसका 0.1% दिवाली के पटाखों से नहीं होता। दोबारा मैं बोलूं न्यू ईयर की बात, तब भी पटाखे जलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, आप खुद कंपेयर करना भी आएगा न्यू ईयर, आप खुद देख लो, कोई छोटा सेलिब्रेशन होता है लोग पटाखे फोड़ते, तब किसी को नहीं आता। मैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं, त्यौहार आ गया, एक बार साल में एक बार त्यौहार आता है, उसको मनाने के लिए सब इतना कलेश करते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बोलनी है, मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सब कोई ख़राब कर रहा है, इतने हम रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम दूसरों को रादर देन हम किसी और को ब्लेम करने के अलावा हम लोग खुद पे फोकस करके अपना इंडिविजुअल। एक बात ये कहना चाहूँगा, पटाखों के लिए ना दिवाली के लिए बहुत बोल दिया, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू ईयर या कुछ भी होता है, अभी भारत इंडिया का मैच है, कुछ मैच हो तब पटाखे चलते हैं, कोई देख लो कुछ नहीं बोलता, पटाखे दिवाली के लिए जल रहे हैं, बहुत दिक्कत है, वही पटाखे सेम पोल्यूशन वाली चीज़ किसी और महोत्सव में किसी और जगह जले कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को। और शगुन के लिए अगर थोड़े से पटाखे किसी ने जला ली तो उसमें क्या बुराई है, बिल्कुल होता है। शगुन के पटाखे अगर इंडिया की पॉपुलेशन। आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो दिवाली तो आप सभी मना रहे होंगे,
तो आपका क्या कहना है, पटाखे चलाने चाहिए या नहीं, बैन होने चाहिए या नहीं, कौन बोलना चाहेगा? जी बिल्कुल चलाने चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ की सहमत में हूँ, क्योंकि हमारा एक ही फेस्टिवल है जिस पर हम पटाखे चलाते हैं, ये हमारा खुशियाँ मनाने का जरिया है एक, तो हम इसे क्यों ना चलाएं, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैं ये बोलना चाहूँगा। और पॉल्यूशन अगर आप कहते हैं तो मैं मास्क यूज़ करता हूँ 12 महीने दिल्ली में, मैं सिर्फ दिवाली के टाइम पे यूज़ नहीं करता, दिल्ली में ऑल टाइम पॉल्यूशन रहता है, आप लोगों को पता होगा जिस हिसाब से ट्रैफिक है इतना, तो एक फटाके को आप उस चीज़ को इतना क्यों महत्व देते हैं कि उसी की वजह से पॉल्यूशन होता है। और ज़रा मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कितने ही इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट है जिनका ये, जो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फटाकों का बिज़नेस एक लाइसेंस बिज़नेस है, लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते हैं, तो लोग जितने भी लोग लाइसेंस लेते हैं उन लोगों का एक ये मेन एम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों का रोज़गार है ये, अगर हम इसे बैन कर देंगे कम्प्लीटली तो उन लोगों का क्या होगा, आप बताइए मुझे। और इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या है, मैं जानना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा मैं कि इस चीज़ से लोगों को क्या प्रॉब्लम है। बोलिए। देखिए पटाखे इसलिए बैन होने चाहिए क्योंकि पहली बात पॉल्यूशन तो साल भर रहता ही है, बट पटाखों से पॉल्यूशन एकदम से राइज हो जाता है, एकदम से जिस रात को और अगले रात को चेक करना है इतना हाई हो जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम बस कहें अरे हमें अस्थमा नहीं है बट सामने वाले को मरने दो से। और जो लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है पटाखे, मैं पहले बता दूँ गरीब बच्चों को, चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल किया जाता है, उनके हाथों से वो चीज़ें बनती हैं, इल्लीगली बनाए जाते हैं, अगर लीगल स्टेटस होता है सिर्फ उसमें यूज़ नहीं होता, और चीज़ों में भी यूज़ होता है, आज सिर्फ फटाकों में यूज़ नहीं होता, और वो बैन है, उस चीज़ को बैन करिए आप, अगर चाइल्ड लेबर आपको कहीं भी दिखता है तो उसको आप बैन करिए, उसके लिए हम सपोर्ट में हैं, बट नहीं चाइल्ड लेबर की बात नहीं है। अगर बैन हो भी जाएंगे तब भी लोग जलाएंगे क्योंकि बैन करने से फायदा नहीं है जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तो माइंडसेट बदलना जरूरी है, तो माइंडसेट बदलने के सबसे पहले हमें तो बताना पड़ेगा कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, तभी तो माइंडसेट बदलेगा, हम कहेंगे चलाते रहो तो माइंडसेट कैसे बदलेगा। और माइंडसेट बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन होता है और पॉल्यूशन हर चीज़ से होता है, वो बैन करने की बात है बट आप कहीं से तो स्टेप शुरू करोगे, कहीं से तो शुरुआत करोगे कि पटाखों से शुरू होगा फिर कार पे पहुंचेगा फिर इवन ऑड आएगा फिर आप पराली पे भी, जैसे सरकार कह रही है हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो शुरुआत तो कहीं से होने होगी ना, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे कि पटाखे भी चलाओ कार भी यूज़ करो ऑड एंड इवन भी करो सब कुछ करो तो शुरुआत तो कहीं से होनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने अभी बताया कि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट करना होगा, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दिवाली क्यों मनाया जाता है ये उन्हें बताएं। दिवाली का असली मतलब था कि जब राम जी वनवास के बाद आए थे लोग दिए जला के उनका स्वागत किए, उस समय ये पटाखों का प्रचलन नहीं था, आज के डेट में लोग बच्चे मस्ती में के लिए ये कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनकी मस्ती को देखें तो वो गलत नहीं लगेगा, लेकिन उसके कारण पॉल्यूशन होता है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको माइंडसेट बदलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप उनको हमारी संस्कृति से अवगत कराइए कि एक्चुअली में दिवाली का मतलब क्या है, वो खुशियाँ बांटना है, वो आप बताइएगा उनका खुशियाँ बांटना है, दिए जला के स्वागत करना है, दियों से सबके जीवन को रोशन करना है, किसी गरीब को या किसी असहाय की मदद करिए, उन अपने दोस्तों से मिलिए परिवारों से मिलिए उनका। अब आप रोज़गार बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, आप ये कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े मॉल से दिए वगैरह ना ले, डेकोरेटिव पीस ना ले, आप छोटे छोटे बस्ती में जाइए जहाँ वो लोग अपने हाथों से अपनी कला का सामान बनाते हैं, उनसे उनकी छोटी छोटी और वो भी थोड़ा मोल भाव कम किए बिना, आप मॉल में जाते हैं जो प्राइस टैग लिखा होता है आप ले लेते हैं, लेकिन आप जब वही छोटे विक्रेता सबके पास जाते हैं आप बोलते हैं नहीं भैया 10 है तो तुम 5 में दो, आप ये नहीं सोचते कि वो तो ऑलरेडी आपको मॉल के रेट से इतना कम दे रहा है, पर उनकी दिवाली खुश करने के लिए आप 5 रुपये ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है बोलिए। जैसे दिवाली दशहरा ये सब मनाते हैं तो उसमें पटाखे बहुत तेज़ आवाज़ आती है पटाखों से, तो उसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारे छोटे जानवर है जैसे कुत्ते बिल्ली उन सबको बहुत दिक्कत होती है, तो उनका हमें उनका भी ध्यान में रखना चाहिए। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो हमें उसको सिर्फ लाइट्स के साथ ऐसे रोशनी फैला के करना चाहिए, शोर मचा के नहीं।